अल्लाहु अकबर नजफ अशरफ इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े के सामने शार ज़ैनुल आबदीन पर आज़ान सुने मौला अली अलैहिस्सलाम के रोज़े की। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मौला अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा सामने है और आज़ान सुन रहे हैं आप और ज़ियारत भी करते जाएं मुहर्रम अल-हराम की। चार मुहर्रम अल-हराम اللهم صل على محمد وآل محمد ठंडे पानी की सबील अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये खूबसूरत मनाज़र नजफ अशरफ इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े से यकीनन जो नहीं आ पाए मेरी इस वीडियो से कुछ उनकी प्यास बुझ सकती है, तो मैंने चाहा एक वीडियो बनाऊं एक और ताकि मनाज़र दिखाऊं आपको और एक खूबसूरत वीडियो आपको बनाने जा रहा हूं जिसमें आपको दिखाता हूं अगर आपके साथ कभी भी मुहर्रम या चेलुम पर आपके साथ अगर ऐसा मोमिन जो सुन नहीं पाता या बात नहीं कर पाता इशारों पे जो बात करते हैं उनके लिए एक खूबसूरत मौक़िब है। दुनिया का हर वो शख्स जो सुन नहीं पाता है क्या कोई भी गूंगा और बहरा हो तो उनके लिए एक मौक़िब है यहाँ पर, वो आपको दिखाने जा रहा हूँ थोड़ी देर के बाद। ठंडे पानी की सभी लें हर जगह पर शारा ज़ैनुल आबदीन इसे कहा जाता है और मौक़िब नजफ अशरफ इस नजफ अशरफ का सबसे बड़ा मौक़िब यहाँ कहलाता है। तो यकीनन मेरे इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचा होगा। आज़ान भी आपको सुना रहा हूँ, रोज़े पे आज़ान चल रही हो। आज आ जाएँ आपको एक मौक़िब दिखाता हूँ इतना खूबसूरत जो गूंगे और बहरों का है। कुरान में आयत है सुम्मुन बुकमुन, अच्छा उस मौक़िब का नाम भी यही है। चले आए देखें आपको दिखाता हूँ मैं। अल्लाह अकबर लब्बैक या हुसैन अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आज आपको ऐसा मौक़िब दिखाता हूँ यकीनन जिसे देखने के बाद आप एक ताज्जुब भी करेंगे और मुझे दुआ भी देंगे और ये कहेंगे कि शाकिर भाई ने वाकई एक कमाल की चीज़ दिखाई है। यकीनन आपका कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा और वो चीज़ है कि नजफ़ अशरफ में एक ऐसा मौक़िब अगर आपके साथ कोई ऐसा जो मोमिन या मोमिन कहीं से भी किसी मुल्क से भी ऐसा हो जो बहरा हो या गूंगा हो जिसे ज़बान जो है तलफ़ुज़ करना नहीं आता हो इशारों पे बात करता हो उनके लिए यहाँ पर एक मौक़िब बनाया गया है और ये काफ़ी कदीम ही है। मैंने एक दिन सोचा कि चेलों पे मैंने इस मौक़िब को देखा था और मैंने यहाँ सोचा था कि मैं एक मुकम्मल वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा। अच्छा इस मौक़िब का नाम भी सुम्मुन बुकमुन है, इस मौक़िब का नाम भी क्या है सुम्मुन और बुकमुन है। और ये इसका कमाल ये है कि सारे गूंगे और उनके पास ज़बान नहीं है, सिर्फ इशारों पे बात करते हैं। अगर आपके साथ कोई भी ऐसा गूंगा बहरा आया हो तो उसको बोलें कि शारा ज़ैनुल आबदीन के आखिर में यहाँ पे एक मौक़िब है जो इशारों पे बात करते हैं और ये ऐसी ज़बान है जो हर कौम हर कबीले का बंदा जो है यहाँ पे
तो नजफ अशरफ की जो है सरजमीन, यहाँ पर इनका हर साल जो है जो मौक़िब जो है वो लगता है, और सिर्फ इशारों पर बात करते हैं और ज़बान तो है नहीं। तो गूंगे और बहरे जितने भी होते हैं वो यहाँ पर मौला हुसैन के अज़ादार जितने भी होते हैं, चेहल मुहरम पे कहीं से भी होते हैं, इधर आके इस्तराहत करते हैं, क्योंकि वो इशारों की ज़ुबान बोलते हैं और एक दूसरे को समझते भी हैं। तो ये उनका मौक़िब है। आज से पहले शायद ही दुनिया में कहीं पे भी आपने ऐसा देखा हो कि ऐसा मौक़िब, ऐसी इमामबारगाह जो गूंगे और बहरों की हो। तो यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से वो जो है यहाँ पर एक मौक़िब लगाते हैं। सलाम तक़बलल्लाह। तो इंशाल्लाह एक नायाब चीज़ है आपके पास, इससे पहले किसी ने ऐसी वीडियो नहीं बनाई ना इसके बारे में तारुफ करा है। तो जिस तरह मैं आपको ये तारुफ करा रहा हूँ, यकीनन आप मुझे दुआ देंगे। तो इनकी ज़बान देखें माशाल्लाह, और ये मौला क्या ज़्यादा। अगर आपके पास कोई भी ऐसा मोमिन आओ उनको बोलें कि यहाँ पर आ जाए और इनके साथ बैठ के दोस्ती भी कर सकता है और दुआएँ भी कर सकता है और ले भी सकता है, और दोस्ती बहुत अच्छी उनकी हो सकती है। तो ये माशाल्लाह मौक़िब है नजफ अशरम शारे ज़ैनुल आबदीन पर। उसकी एड्रेस भी बता देता हूँ, आखिर सेतरे के बिल्कुल करीब चेक पोस्ट पे। तो ये पार्क है, उसके सामने ही जो है मौला अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा ही शारे सादिक से भी आता है। माजी और माजी ये देख सकते हैं, और मौक़िब का नाम तो देखें ना, मौक़िब सुम्मुम व बुक्मुम, यानी गूंगे और बहरे। और क्या बात है, कुरान की आयत भी और फिर आज़ादारों का इज्तिमा भी। तो माशाल्लाह ये खूबसूरत मंजर जिसे आप देख रहे हैं, मुझे दुआ देंगे। और चेलों पे अच्छा एक चेलों आएगा जब मैं दिखाऊंगा, तो दुनिया के गूंगे बहरे यहाँ पे जमा हो जाते हैं, आज़ादारी करते हैं, अपना यहाँ पे मौक़िब लेके मौला के पास जाते हैं और सिर्फ इशारों पर बात करते हैं। तो एक अजीब दुनिया होती है इनकी माशाल्लाह, और गिला गिबत इनसे कम ही होती है। रब्बुल आलमीन की मसलहत है, अगर आपके साथ ऐसा कोई मोमिन आए तो उनको ये एड्रेस बताएं और उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाएं कि इशारे में क्या बातें कर रही हैं, समझ रहे हो। अच्छा, मेरी वीडियो के ज़रिए से शायद ही समझ पाए, मैं करीब से दिखा रहा हूँ। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, यकीनन मुझे दुआ देंगे। मैं आपके साथ शाकिर अली नजफी, नजफ अशरफ इराक़ से, इनका मौके पर ज़रूर आएगा और ये खिदमत आपको इंशाल्लाह मिलेगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाली मुहम्मद। नादर बादशाह की वो बाज़ार, मैंने सोचा जब आपको ये सारे मौक़िब दिखा रहा हूँ, इमाम बारगाहें दिखा रहा हूँ, क्यों ना नादर बादशाह की बाज़ार भी दिखाऊं जहाँ से मोमिन खरीद फरोख करते हैं। तो इस बाज़ार को भी देख लें, नादर बादशाह ने अपने ज़माने में मौला अली अलैहिस्सलाम के गुंबद पर सोना चढ़ाया, उसके बाद ये बाज़ार भी तामीर की, आज तक ये बाज़ार उसी नक्शे पर बाकी है। और ये खूबसूरत बाज़ार है इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े के बिल्कुल सामने, बाब रज़ा के, जहाँ से मोमिन खरीद और फरोख करते हैं। तो क्यों ना मैंने कहा आपको ये बाज़ार भी दिखा दूँ इस वीडियो के ज़रिए से, तमाम जहाँ पे मौके बोरी सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बाज़ार है। मैंने दिखाई थी, तस्वीर लगाई थी फेसबुक पे शाकिर नजफी अपने पेज पर, उसमें दिखाया था कि सुबह के टाइम हर यहाँ पे दुकानदार मिलके एक दुकान के पास, एक दिन एक दुकान का भी, दूसरे दिन दूसरे, यहाँ पे मजलिस होती है सुबह के टाइम, और रात के टाइम भी अशरा होता है, सुबह का अशरा होता है और फिर रात का भी अशरा होता है। मजलिस पढ़ते हैं, इब्तिदा करते हैं मजलिस और मातम मज़ेदारी के बाद, फिर अपनी दुकानदारी करते हैं, फिर रात जब वो अपने घर जाते, घर जाने से पहले किसी और दुकानदार के पास मजलिस और मातमदारी होती है, उसके बाद फिर 7-8 मुहर्रम पर ये बंद करके सारा मौला को पुरसा देते हैं और सलामी करते हैं। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन नजफ अशरफ की इंशाल्लाह आपको जो है यकीनन फ़ायदेदार होंगी, और मेरे इस वीडियो के साथ यकीनन आपको फ़ायदा मिला होगा। तो आपका कमेंट्स का इंशाल्लाह मैं मुंतज़िर हूँ। आपके साथ शाकिर अली नजफी, नजफ अशरफ इराक़। या अली या हैदर करार, या हुसैन या मज़लूम या शहीद, मेरे मौला जिन मोमिनीन ने दुआओं के लिए कहा और पुरसे के लिए, उन सब का पुरसा दुआएं कब सजा फरमा। या अमीर अल मोमिनीन, आपकी औलाद का पुरसा, उम्मुल मसायब का पुरसा, मौला हुसैन अली अकबर जनाब कासिम का पुरसा, दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी अज़ादार पुरसा दे रहे, अज़ादारियाँ अर्श अज़ाब मसरूफ़ हैं, उन सब की हिफाजत फरमा, उन सब के पुरसे अज़ादारियाँ कबूल फरमा। या अली हैदर करार, खुसूसन उन मोमिनीन के लिए दुआ जिन्होंने नियाज में हिस्सा डाला है, चादरों में हिस्सा डाला है, उन सब के लिए दुआ। लब्बैक या हुसैन, ये जुलूस आपने देख लिए, डेली इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जितनी खिदमत कर सका आप सबके लिए खिदमत करूँगा, और आप सबके तवस्सुल से इंशाल्लाह ये प्रोग्राम आगे तक दिखाता रहूँगा। देखिएगा ये तमाम जुलूस जो मैंने आपको दिखाए हैं, लब्बैक या हुसैन, आगे शेयर कीजिएगा मोमिनीन तक। मैं आपके साथ शाकिर अली नजफी, आप सबकी तरफ से इमाम अली अलैहिस्सलाम को पुरसा देने आया हूँ। अल्लाह हू अकबर,
अल्लाह अकबर, जाने से पहले मौला अली की जरी की ज्यारत कराने जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर, नज़र पड़ जाए तो सर पे मातम करके एक मर्तबा कहना, आए उसे आए उसे आए उसे है मौला, आए उसे आए उसे आए ज़ैनब या सुकैना, आए अली अकबर, आए कासिम, आए हुसैन, आए हुसैन, आए हुसैन। मौला अली को पुरसा दें, अहले बैत अलैहिम सलाम शहदाए करबला का, असीरान करबला का पुरसा पेश करें। आए हुसैन, आए हुसैन, आए हुसैन या हुसैन, एक मर्तबा सीने पे मातम करके कहे, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।